मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे थे ध्रुव राठी के मैप एनिमेशन पर वीडियो बनाओ, तो इसके लिए आज हम ध्रुव राठी के जैसे मैप एनिमेशन करना सीखेंगे और वो भी अपने मोबाइल से। तो इस वीडियो में हम मैप एनिमेशन से रिलेटेड चार चीज़ें सीखेंगे, अपने मैप में किसी कंट्री को कलर कैसे करें, अपने मैप को 3D इफेक्ट कैसे दें, अपने मैप को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कैसे मार्क करें, उसके बाद मैप एनिमेशन वीडियो को एडिट कैसे करें। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ट्रू वर्ल्ड मैप, जिसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। इसको ओपन करते ही आपके सामने वर्ल्ड मैप ओपन हो जाएगा। पहले हम इस 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सैटेलाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका मैप कुछ इस टाइप में चेंज हो जाएगा। फिर हम सिंपली किसी भी कंट्री पर 2 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगी। इसी तरह आप जिस भी कंट्री को 2 सेकंड तक प्रेस करोगे वो कंट्री कलर हो जाएगी। इसी तरह आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्री को कलर कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से कोई भी कंट्री कलर हो जाती है तो उस कंट्री को सेलेक्ट करेंगे तो नीचे क्लियर का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप उस कलर को हटा भी सकते हो। और अब हम सीखेंगे अपने मैप को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कैसे मार्क करें। उसके लिए मैं कैपकट का यूज़ करूँगा। इसके लिए हमें एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मैप को डाउनलोड कर लिया है और सीधे मैंने कैपकट में ऐड कर लिया है, बट आप एक मैप की जगह किसी भी वीडियो का भी यूज़ कर सकते हो। फिर टेक्स्ट वाले आइकन में जाकर ड्रा वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको काफ़ी सारी लाइन दिख जाएंगी। यहाँ साइज़ वाले आइकन से हम लाइन के साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ओपासिटी वाले आइकन से लाइन की ओपासिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से हम लाइन को कोई भी कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं इस डॉटेड लाइन को यूज़ करूँगा। उसके बाद हम लाइन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसे खींच कर थोड़ा सा आगे कर देंगे। आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेना। फिर हम यहां से अपने लोकेशन की एक PNG ऐड करेंगे जो हमने पहले डाउनलोड करी थी। फिर हम इस लाइन को 3D एनिमेशन देंगे। फिर एंड में भी हम लोकेशन वाली PNG को ऐड करेंगे। अब हमारा मैप एनिमेशन भी बनकर रेडी हो गया है। अब लास्ट में आता है मैप को 3D एनिमेशन कैसे दें, तो मैं आपको इसी वीडियो में ही समझा देता हूँ, इससे आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जगह जगह पर की फ्रेम का यूज़ किया है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। आप भी की फ्रेम का यूज़ करके अपनी वीडियो को 3D एनिमेशन दे सकते हैं।